हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स विद साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 ऑफ क्लास 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बच्चे मैंने पहले फर्स्ट मेथड से करवाया था। होप सो आपने वो वीडियो देख ली हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड मेथड। इस मेथड में क्या होगा, आइए सीखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन रीड करिए, क्या है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। हमें क्या चीज गिवन है, हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है और हमें इस लाइन सेगमेंट को 5:8 में डिवाइड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7.6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नेम इट ए बी। Now you have to draw a acute angle. Class, you can draw acute angle with the help of protractor or with the help of compass or I roughly acute angle actually वो होता है जो less than 90 degree हो। So I can draw it roughly with the help of ruler also, because मुझे पता है कि ये है तो 90 से कम ना, चाहे 60, 70, 30, 40 किसी का भी हो, no problem। हाँ जी, तो कुछ acute angle को draw करने के बाद हम इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। ओके, सो नाउ हियर इट इज गिवन दैट वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 5:8। सो स्टूडेंट्स, नाउ 5:8 मीन टू से 5 + 8 = 13। सो वी विल ड्रॉ 13 आर्क्स इन दिस लाइन and this line is our 7.6 centimeter, so you will write here 7.6. now draw 13 arcs from the point A of equal interval. याद रखना बेटा, एक बार जितनी भी हमने compass open कर ली तो हमें just उतनी ही compass open रखनी है, बार बार उसको move नहीं करना। तो इस तरह से हम एक arc लगाएंगे और उसके बाद उसी arcs की help से हम दूसरी आर्क लगाते जाएंगे। ठीक है जी, होप सो आप साथ साथ में काउंट कर रहे होंगे कि ये टोटल कितनी आर्क्स हो गई। सो फर्स्टली आई विल ड्रॉ सम आर्क्स। नाउ वी विल काउंट इट, वी विल नेम इट A1 एंड A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13. So we need just up to here this 13 arc. Now join this 13th arc with point B. Okay? So we have no need to draw these arcs, we have to draw just 13 arcs and now join this A13 with the B. After that students, you have to draw a acute angle at point A13. Okay, so acute angle draw karna hai, so you can draw this acute angle with the D protractor or also you can draw with the help of compass. So like this, as we know na, this is our acute angle. So now ratio is here 5:8. So at A5 we will draw an arc
एंड वी विल ड्रॉ द सेम पैरेलल लाइन दिस ए 13 बी जो हमारी लाइन है इसी लाइन के पैरेलल लाइन एक हम ए 5 पे ड्रॉ करेंगे. तो लाइंस पैरेलल कब होती है स्टूडेंट्स, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो. दैट मीन्स जितना एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल हम यहाँ पे बनाएंगे. सो लेट्स हम मेजर करते हैं कि ये एंगल हमारा कितना है, ये हमारा एंगल कुछ इतना है. तो यही सेम एंगल यहाँ पे उतने ही डिग्री का बनाएंगे. उसके लिए क्या करना है हमें, ए 4 ये पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है. तो जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स को क्या करना है हमें, ज्वाइन कर देना है. तो जैसे ही हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जैसे ही हम इसको एक्सटेंड करेंगे ये हमारी यहाँ पे रखती है. ये देखो ये हमारी आर्क कुछ इस तरह की थी. इज इट क्लियर. और फिर हम क्या करना है, हमें इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है. सो नाउ वी विल राइट इट्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो जैसे जैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया हम वैसे वैसे यहाँ पे लिखते जाएंगे. फर्स्टली क्या किया हमने, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था. सो वी विल राइट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या किया था हमने, एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था. सो वी विल राइट हियर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए. उसके बाद क्या करना है हमें, 13 आर्क्स ड्रॉ की थी. सो वी विल राइट हियर ड्रॉ 13 आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन लाइन. हम वी विल नेम इट एक्स ऑन लाइन ए एक्स. नाउ ज्वाइन ए 13 विद पॉइंट बी एंड नाउ ड्रॉ इक्वल एंगल्स एट पॉइंट ए 13 एंड अ पॉइंट ए 5 विच विल इंटरसेक्ट लाइन ए बी एट पॉइंट सी. सो आर रिक्वायर्ड रेशो ए सी रेशो सी बी विल बी 5:8. स्टूडेंट्स यू कैन मेजर इट बाय द रूलर ऑल्सो. और अब हम इसकी क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन. सो जस्टिफिकेशन में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज द ट्रायंगल एंड यू वेल नो के जो हमारी ट्रायंगल में लाइन है ए 5 सी, ये पैरेलल लाइन है ए 13 बी के साथ, क्योंकि हमने सेम एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए थे. और अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमने जो थेल्स थ्योरम पढ़ी थी कि इन उसमें क्या होता है, इनकी जो साइड्स की रेशियो वो सेम होती है. लाइक यहाँ पे ए ए 5 अपॉन ए 5 ए 13 इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी. एंड वी नो रेशियो ऑफ ए ए 5, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो ए ए 5 अपॉन ए 5 ए 13 की रेशियो हमारे पास कितनी है, 5:8. सो ए सी अपॉन सी बी की रेशियो भी क्या होगी, 5:8. हैंस प्रूव्ड. ओके होप सो यू अंडरस्टैंड इट. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. और हाँ, जाते जाते नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस करना सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और अगर आप मेरा फर्स्ट मेथड देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. थैंक यू सो मच टू कम हियर.